Hey beauties, what's up and welcome to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to introduce you one product which you will love during summer, basically while creating summer makeup. So without further ado, let's get right into the video. That was a short intro. So today the product I'm going to introduce you is from Lotus Makeup and it's their Lotus Pre-Edit Silk Touch Glow Strobe Cream. If you're a beginner and don't have much idea about what strobe cream does to your skin, then let me tell you, strobe creams are basically like a primer or you can say illuminating moisturizer jo aap foundation se pehle ya fir foundation ke sath mix karke aapke skin mein laga sakte ho. So it basically gives you a nice glow jo aapko highlighter deta hai, but highlight se bahut zyada glow milta hai. Agar aapko subtle glow chahiye, agar aapko neutral natural makeup karna hai जो आजकल यू नो समर मेकअप में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. सो स्ट्रोब क्रीम्स जो होते हैं वो यूजुअली यू नो हाई एंड मेकअप ब्रांड्स में होते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि लोटस मेकअप ने यू नो इनको लॉन्च किया है इन वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. इफ़ आई टेल यू यूल बी शॉक्ड. सो बेसिकली इसमें दो वेरियंट्स है, द वन इज गोल्ड वन एंड द अदर वन इज पिंक वन. सो आई बिलीव पिंक वाला जो है इट इज़ मोर फॉर यू नो कूल अंडरटोन या फिर लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए, एंड द गोल्ड वन इज फॉर मोर ऑफ अ वार्मर अंडरटोन जो डीपर स्किन टोन है उसके लिए है. सो बेसिकली दिस स्ट्रोब क्रीम विल कॉस्ट यू फॉर ₹525 ओनली, जो कि मोस्टली यू नो 1000 की रेंज में ही होता है, बट यू आर गेटिंग इट इन लाइक हाफ ऑफ द प्राइस. सो दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट कम्स इन दिस कार्डबोर्ड बॉक्स जहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करी हुई है, द इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज इट, इनकी MRP, एक्सपायरी, एवरीथिंग दे हैव मेंशनड ऑन दिस, एंड इवन दिस विल रिटेल यू फॉर 525. आई थिंक आप उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत बार यू नो डिस्काउंट चलते रहता है, सो यू कैन इवन गेट इट इन लाइक 300-400 की रेंज में. So as you guys can see, this is a clear difference. ये जो है this is more of a gold and yellow undertone and this is more of a pink and you know a very subtle cool tone undertone. तो आपके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो. तो मैं क्या करती हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ये पिंक वाला लगा के आपको दिखाती हूँ एंड राइट हैंड साइड पे मैं आपको गोल्डन वाला लगा के दिखाती हूँ. हम देखते हैं कि फेस पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या. तो इवन वाइल पुटिंग इट डायरेक्टली ऑन फेस, मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है. सो मैं डायरेक्टली स्ट्रोब क्रीम यूज़ करने वाली हूँ और उसके लिए यू नो ये हाईलाइटर जो अपने एरिया होता है ना, ये हाईलाइटर वाला नोज़ वाला थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिर्फ लगाने वाली हूँ, बिकॉज इसके बाद मैं आपको इसको फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कैसे करके लगाते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ. I'm just dabbing it with my fingers, but you can also use your beauty blender. मुझे लगता है ये स्ट्रोब क्रीम्स यू नो फिंगर से ज़्यादा अच्छे से लग जाती है, बिकॉज योर फिंगर्स आर वॉर्म और इसको थोड़ा ना वॉर्म की ज़रूरत होती है स्किन में स्प्रेड होने के लिए. सो दैट्स वाई ये स्किन में बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है. तो द कंसिस्टेंसी इज वेरी लाइट वेट एंड थिन एज यू कैन सी, और ये कितने जल्दी यू नो स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो गए. इट जस्ट टुक मी अ मिनट और सो. ऑल राइट, सो मैंने मेरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट ऑन कैमरा और नॉट, बट कैन यू सी द डिफरेंस. ये वाला मेरा साइड थोड़ा मैट दिख रहा है एंड सडनली ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इट्स यू नो गिविंग दैट ग्लो. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, इवन ऑन माई नोज. सो यू कैन सी हाउ इफेक्टिव दीज आर. एंड आई टुक वेरी लिटिल क्वान्टिटी, आपने देखा पहले मैंने सिर्फ यहाँ पे लगाया था, बट स्टिल यू नो माई होल दिस चीक एरिया इज हाईलाइटेड. सो या लेट्स सी द राइट हैंड साइड. So the same way I am going to use the gold one on my right hand side. My skin tone is more into light undertone, so मैं prefer करूँगी हमेशा you know pink वाला use करने के लिए, because मैं highlighter भी pink वाले use करती हूँ. But let's see, you never know, क्या पता ये भी मेरे को अच्छा दिखे.
Alright, so definitely my face is looking more glowy and more dewy. अभी तो ऐसा लग रहा है कि यू नो मैंने लिक्विड हाइलाइटर वगैरह ऐसा ही कुछ लगा लिया है, इतना ज़्यादा ग्लो दे रहा है. यू नो विदाउट फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है. बट डेफिनेटली पिंक वन इज़ फॉर मी बिकॉज यू नो मेरा कूल टोन अंडरटोन है. बट इवन द येलो वन इज़ नॉट लुकिंग बैड एट ऑल. बहुत सारे लोग हैं जो मीडियम एंड डीपर स्किन टोन्स के हैं, उनको डेफिनेटली येलो बहुत पसंद आएगा बिकॉज एज कम्पेयर टू द पिंक वन ये ज़्यादा ग्लो ऐड कर रहा है. बिकॉज ऑब्वियसली आप हाईलाइटर में भी गोल्ड यूज़ करोगे तो गोल्ड वाला हाईलाइटर ज़्यादा यू नो हाईलाइट करता है आपके फेस को. सो इवन एज आई सेड अर्लियर दीज आर वेरी लाइट वेट, तो ये मेरे स्किन में जल्दी से अब्जॉर्ब भी हो गए हैं. एंड इवन यू कैन सी दिस शाइन एंड ड्यूइनेस ऑन माई फेस, पर ये बिल्कुल भी यू नो स्टिकी या ऑयली नहीं है. तो एज यू कैन सी देर इज नो स्टिकीनेस, नो ऑयलीनेस, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज समर में हमको ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए होता है जो आपके फेस को स्टिकी ना बनाए. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग ऑन माई बेयर स्किन. आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे यू नो अंडर आई में कंसीलर लगा के या थोड़ा सा क्रीम ब्लश लगा के माइल्ड सी लिपस्टिक लगा के भी ऐसा लुक आप कैरी कर सकते हो. बट आई विल शो यू दिस विथ फाउंडेशन. ये वाले जो स्ट्रोब क्रीम्स है ये मैं आपको फाउंडेशन के साथ मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये फेस पे कैसे दिखते हैं. सो यू नो इवन एट अ टाइम्स यू डोंट हैव ड्यूई फाउंडेशन विथ यू, यू ओनली हैव मैट फाउंडेशन बिकॉज इवन आई एम ऑयली स्किन पर्सन और ड्यूई से ज़्यादा मेरे पास मैट फिनिश फाउंडेशन है. सो इफ़ यू आर समवन लाइक मी तो डेफिनेटली यू कैन मिक्स दिस विद योर मैट फाउंडेशन और उससे भी आपको यू नो अच्छा सा ग्लोई एंड ड्यूई लुक मिल सकता है. Okay, so as you guys can see, it again added a nice glow when I'm smiling. तो ये देखो मेरे cheeks पे यहाँ पे जो मेरे high points है वहाँ पे glow दिख रहा है because मैंने use किया है complete matte foundation. तो वो मैं usually लगाती हूँ तो ऐसा glow नहीं दिखता है. तो definitely this is an amazing strobe cream. So what I'll do now, I'll just quickly go get my face done. मैं मेरा normal जो काजल eyeliner lipstick लगाती हूँ वो लगा के आ जाती हूँ. I'll not add additional highlighter. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में देखेंगे लगाएंगे. But I'll just quickly get my makeup done and I'll be back and then I'll tell you my final review about this product. All right guys, so I'm back with my minimal makeup on. मैंने आज लिटरली कोई भी हाइलाइटर नहीं लगाया, सिर्फ ब्लश लगाया है और आई मेकअप किया है एंड ऑफ कोर्स लिपस्टिक लगाई है, बट आई हैवन पुट हाइलाइटर. और ये जो आपको ग्लो दिख रहा है ये सारा का सारा यू नो ये स्ट्रोब क्रीम की वजह से ही है जो मैंने फाउंडेशन में मिक्स किया था. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्लो एंड यू नो दैट ड्यूई इफेक्ट, देन दिस इज एन अमेजिंग स्ट्रोब क्रीम. सो दिस इज अ माइंड ब्लोइंग एडिशन टू लोटस मेकअप. एंड एज यू गाइज नो दीज प्रोडक्ट्स, लोटस मेकअप प्रोडक्ट्स आर 100% वेजिटेरियन, दे आर वीगन, क्रूएल्टी फ्री एंड दे हैव स्टेटेड दैट दीज प्रोडक्ट्स आर 97% नेचुरल, दे आर बींग वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्वेटिव फ्री, मिनरल ऑयल फ्री एंड पैराबेन फ्री एज वेल. सो दिस इज़ अ बिग येस टू दिस प्रोडक्ट. एंड उसके अलावा मुझे लगता है ये जो इसका ब्लेंडिंग है वो भी बहुत सीमलेसली हो गया है. बहुत सारे स्ट्रोब क्रीम्स और इल्यूमिनेटर्स मैंने देखे हैं जो यू नो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सिल्वर पार्टिकल, जब आप लगाते हो फेस पे और यू नो थोड़ा क्लोजअप भी जाओगे ना, आई कम क्लोजअप, तो यहाँ पे आपको मतलब अगर आपको दूसरे क्रीम्स लगाते हो तो उसके ना ऐसे शाइनी पार्टिकल्स, गोल्ड, सिल्वर, पिंक जो भी है वो ऐसे आपके फेस पे दिखते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस वन, देन दिस इज़ लाइक यू नो ब्लेंडेड सीमलेसली ऑन माई फेस और कहीं पे भी आप देखोगे आपको प्योर शाइन दिखेगा, आपको कहीं पे भी ऐसे पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, विच इज़ अ बिग येस फॉर दिस प्रोडक्ट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज रिव्यू वीडियो. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस लोटस मेकअप प्रो एडिड ग्लो स्ट्रोब क्रीम इन पिंक और गोल्डन, और यू कैन गेट बोथ ऑफ देम एज पर योर कन्वीनियंस बिकॉज दीज आर वेरी अफोर्डेबल. एंड आई विल मेंशन ऑल द परचेस लिंक्स डाउन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन गो देयर एंड शॉप योर फेवरेट वन. सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेमो. इफ यू डू सो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई शुड सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and bye-bye.